मैं बलवंत ठाकुर जी और उनके उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, थिएटर तो अनंत काल से चला आ रहा है और चला चलता रहेगा, लेकिन मेरे अंदर थिएटर ने कैसे जन्म लिया, पहले मैं वहाँ से ही शुरुआत करता हूँ। मैं बंगाली हूँ और बंगाली होने के नाते हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, और दुर्गा पूजा में 4-5 दिन का फेस्टिवल होता है, और फेस्टिवल में थिएटर, डांस, म्यूजिक, ये सब होता रहा है। मैं बचपन से इन चीज़ों को देखता रहा। जब मैं 6-7 साल का था, हमारे यहाँ छूट होती थी इन 5 दिनों तक कि आप कभी भी आए, कभी भी जाएं। शाम को 4 बजे तक, मतलब रात को 4 बजे हम लोग आते हैं, 5 बजे आ रहे हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं थी, ना ही हमें डांट पड़ती थी। और हम रात भर थिएटर देखते थे, कुछ बातें समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी, लेकिन वो अट्रैक्ट करता था कि इतने सारे लोग पूरे धैर्य के साथ मंच पर होने वाला जो भी प्रसंग है उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए बैठे हैं। तो मैं सोचता था कि अगर मैं उस मंच पर जाऊंगा तो लोग मुझे भी देखेंगे क्या। ये एक अट्रैक्शन ने मेरे अंदर घर कर लिया और मैंने सोच लिया कि मुझे भी थिएटर करना है, नाटकों में अभिनय करना है। लेकिन इतना सहज नहीं था नाटकों में काम करना उस समय भी, जब मैंने अपने सीनियर से कहा कि मुझे भी मंच पर आना है, तो उन्होंने कहा पहले मंच पर पोछा लगाना तो सीखो, मंच कैसे बांधते हैं, लाइट कैसे टांगते हैं, पहले वो शुरुआत करो। और मैं लग गया पूरी शिद्दत के साथ, पोछा लगाना, अगर रिहर्सल 5 बजे है तो 4 बजे जाके पोछा लगाना, टेम्परेरी लाइट फिट करना, ये सब मैंने 9-10 साल की उम्र से मैंने शुरू कर दिया था। और यहीं से मेरे अंदर थिएटर ने घर कर लिया, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं एमेचर थिएटर का। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो भी थिएटर जिंदा है वो एमेचर थिएटर की वजह से ही जिंदा है। प्रोफेशनल कितने हैं, नाम मात्र को, लेकिन जिंदा इन एमेचर थिएटर में है, जिंदा कर रखा है। खैर, मैंने धीरे धीरे बंगला नाटक करने लगा, और वो भी एक छोटा सा शहर मेरठ, हिंदी भाषी क्षेत्र में बंगला नाटक करना। हेलो, हाँ जी, ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हाँ जी हाँ जी, ओके। अगेन वो टेक्निकली था, तो मैं सही जा रहा हूं। तो मैंने यहां धीरे धीरे बंगला नाटक में अपना स्थान बनाया, और इसके बाद मेरे जो जीजा जी हैं उनके फादर बहुत बड़े वैद्य हैं, वैद्य चंद्र प्रकाश, उन्होंने मुझसे कहा कि मुकुल, तुम नाटक तो बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारा काफी नाम है, लेकिन नेशनल लेवल पे जाने के लिए तुम्हें हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा, सिर्फ बंगला में आप एक ही जगह रह जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई, और मैंने कहाँ जाऊं, किसी को जानता नहीं था, तो मैंने रामलीला ज्वाइन किया। रामलीला ज्वाइन करके वहां मैंने हिंदी को परिष्कृत किया,
शब्दों का इस तरह से उच्चारण करना, किस तरह से भाव के साथ किस तरह से बहना, यहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर धीरे धीरे एप्टा ज्वाइन किया, फिर अपना ग्रुप बनाया, यंग बीटल्स क्लब बनाया और मेरठ में थिएटर करता रहा। और वहीं से मेरे को पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जहाँ अभिनय का प्रशिक्षण दिया जाता है। और मैं फिर रुका नहीं, मैं दिल्ली भागा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की खोज की और सन 1980 में मैंने एक फॉर्म भरा 2 रुपए का पोस्टल ऑर्डर के साथ। वो फॉर्म लिया और इंटरव्यू के लिए आया। बाबा कारण जी थे, उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं यहां निराश नहीं हुआ। मैं लगातार फॉर्म भरता रहा और लगातार इंटरव्यू देता रहा। 7 साल तक कंटिन्यू मैंने इंटरव्यू दिया। कभी मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, कभी मैं वेटिंग में रह जाता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी। और 7th टाइम में मेरा जाके सिलेक्शन हुआ। जब रतन थियाम जी आए, उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया था मेरे से कि तुम लगातार पिछले, ये 7वां साल है जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो, तो अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा सर, एनएसडी में दाखिल होने के लिए एक एज सीमा है 30 साल तक, तो मैं 3 साल और भरूंगा, अगर नहीं हुआ तो भी मैं थिएटर करता रहूंगा। काफी लंबा इंटरव्यू चला था, मुझे याद है करीब 1.5 घंटा मेरा इंटरव्यू चला था। सारे दिग्गज वहां बैठे हुए थे, 10-15 जने थे और उसमें से मैक्सिमम सभी के साथ उस 7 साल में मैंने एक दो को छोड़कर सबके साथ मैंने काम किया किया हुआ था। सभी एक दूसरे से कह रहे थे नहीं तुम कर, तुम पूछ लो, तुम पूछ लो। लेकिन 7वीं बार मेरा नाम टॉप पर था, मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये मेरी एक जिद थी एक थिएटर के प्रति कि नहीं, मुझे कुछ सीखना है। इस ललक ने मुझे जिंदा करके रखा। मैं वहां से एक अलग लाइफ हुई मेरी और मैंने वहां दिग्गज लोगों के साथ और दिग्गज लोग जैसे फ्रिट्ज बेनिविट्स के साथ काम किया मैंने, सत्यदेव दुबे जी के साथ काम किया, फिदा हुसैन नरसी जी के साथ काम किया, रामगोपाल बजाज जी के साथ काम किया। वो मेरे टीचर थे अभिनय के, अभिनय की बारीकियां सीखी मैंने रॉबिन दास जी से, अंकुर जी से, एम के रैना जी के साथ। मतलब एक से एक पढ़कर थिएटर के दिग्गज लोगों ने मेरे को मार्गदर्शन दिया और मैं आगे काम करता रहा। एनएसडी से निकला, उसके बाद वर्कशॉप करता रहा। मैं जम्मू में भी गया, नटरंग का एक वर्कशॉप भी साथ में किया। और मुझे नटरंग के साथ एक अच्छा अनुभव हुआ कि नटरंग जम्मू में है और वहाँ बहुत अच्छा कार्य चलता रहा है और आज भी चल रहा है। वहाँ बलवंत जी से मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ काफ़ी चर्चाएं हुई, बातचीत करते रहे हम। उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि एनएसडी में एक चीज और होनी चाहिए, एक पढ़ाई और होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट और होना चाहिए कि एनएसडी के 3 साल का कोर्स होने के बाद हम अपनी लाइफ को कैसे लेकर चलेंगे, कहाँ क्या है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। एनएसडी से निकलने के बाद एक अंधेरा, ऐसा क्यों, जबकि और जगह ऐसा नहीं है, लेकिन एनएसडी के लोगों के साथ ऐसा क्यों। मैं अपने शहर गया, काम करना चाहा, लेकिन किसी ने मेरे को सहारा नहीं दिया कि
आओ मेरे साथ काम करो, मेरे ग्रुप के साथ काम करो। मैं कई महीनों तक मेरठ में भटकता रहा, फिर मैं दिल्ली वापस आ गया। दिल्ली में अपना काम करता रहा। तो वहाँ BM शाह जी थे, वो हमेशा कहते थे बहुत काम कर लिया तुमने थिएटर में, जाओ अभी फिल्मों में ट्राई करो। इस दौरान मैं वर्कशॉप वगैरह करता रहा, थिएटर करता रहा, बच्चों के साथ काम करता रहा, साहित्य कला परिषद के साथ मैंने काम किया। लेकिन ये जो सफर है, आप बहुत कुछ जानने के बाद भी, एक कर्मठ होने के बाद भी, हिंदी थिएटर क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है? इसका कारण क्या है? आज भी हम हिंदी रंगमंच को उस ऊंचाइयों तक नहीं लेके जा पाए कि लोग आए, टिकट खरीदे और नाटक देखें। जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री सक्सेस है, टीवी इंडस्ट्री सक्सेस है, एक तौर से रेडियो में नाटक भी सक्सेस है, इसकी एक अलग ऑडियंस है, लेकिन हिंदी थिएटर की ऑडियंस बहुत ही कम है और गिने चुने हैं। आज भी मैं दिल्ली में, मेरे कई मित्र हैं जो कहते हैं अभी दिल्ली में थिएटर खत्म हो रहा है, ऑडियंस नहीं आती है। ऐसा क्यों? जबकि मराठी थिएटर में मेरे मेकअप मैन, वो जब भी अपने घर रहते हैं छुट्टियों में, वो फिल्म देखने नहीं जाते हैं, वो मराठी थिएटर देखने जाते हैं, वो भी लाइन लगाकर टिकट लेते हैं। वो मेकअप मैन जो फिल्मों में मेकअप करता है लेकिन देखने नाटक जाता है, कितने आश्चर्य की बात है, कितना अच्छा लगा मेरे को। मैं खुद जब बॉम्बे में पहली बार आया तो मंगेशकर हॉल पार्ला में मैं वहां गया तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये लाइन किस चीज के लिए? तो सिनेमा हॉल नहीं है, नाटक होगा ना, उसके लिए टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। मैं भी लाइन में लग गया और मैंने एक टिकट खरीदा। तब मेरे को मराठी नहीं आती थी। मैं हॉल में गया, समझता रहा, नाटक समझने के लिए भाषा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा नाटक था, बहुत आनंद आया। मैं फिर नाटक खत्म होने के बाद मैं बैक स्टेज गया, उसके जिसने मेन किरदार किया था उससे बात की। मैंने कहा कितना अच्छा अभिनय करते हो, फिल्मों में क्यों जाते हो, फिल्मों में क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा फिल्म मुझे देगा क्या? ये उसके विचार थे। मैं यहाँ दिन में तीन तीन शो करता हूं, उस समय वो 2,500 रुपए पर शो ले रहा था और मुझे 1,000 रुपए पर एपिसोड भी कोई नहीं देने को तैयार था। लेकिन हिंदी रंगमंच में उस समय 100 रुपए का टिकट लेकर भी लोग कम आते थे। आज भी छोटे शहरों में क्या, बड़े शहरों में नाटक देखने के लिए लोग आ ही नहीं रहे। उसका कारण क्या है? हमने जितने भी इस समय थिएटर कर रहे हैं, हम लोगों ने इसको कमर्शियल नहीं किया। कमर्शियल का मतलब क्या है? हम हिंदी थिएटर में सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सब्जेक्ट हमारा लोगों को एंटरटेन नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधा सीधा नाटक करो, ऐसा नहीं है। मैं विक्रम गोखले जी का एक नाटक देखने गया था, क्या कमाल का नाटक था, हाउसफुल। मैं उनके साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि मुकुल मेरा नाटक देखने आओ। मैंने ठीक है, कह रहा अगर तुम टिकट नहीं ले पाओ तो पास ले लेना। मैंने कहा पास है तो कोई बात नहीं, मैं पास लेने आ जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने टिकट दिया था
मतलब पास दिया, मैं देखने गया, पूरा हॉल भरा हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस अंत तक। और वही हिंदी नाटकों में बॉम्बे में मैं कई ग्रुप के साथ जुड़ा रहा, लेकिन वही ऑडियंस नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉरपोरेट हाउस में डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी होते हैं वो सब जाते हैं, लेकिन किसी को हेड नहीं मिलता, गिने चुने लोगों को मिलता है। और फिर वही ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि अगर हमें सिर्फ नाटक करना है तो नाटक करने के लिए हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए इस प्रोफेशन के लिए, कि ऐसी ऊंचाइयों तक हमें लेकर जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ जो थिएटर करें, नाटक करें। हिंदी नाटक में पैसा नहीं है तो फिल्मों की तरफ चले जाते हैं, और क्यों ना जाए। मैं एनएसडी से निकलने के बाद 3 साल तक लगातार घूम घूम के थिएटर करता रहा, अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशाओं में जाके काम करता रहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि थिएटर अगर जिंदा है तो सिर्फ एमेच्योर थिएटर की वजह से जिंदा है। मैं और मेरे जैसे हजारों थिएटर के लोग जो अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित हो के भी हम लोग बहुत कुछ समाज को नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, दायरा बदलना पड़ेगा। हमें सिर्फ अनुदान पर जिंदा नहीं रहना है। हिंदी थिएटर सिर्फ अनुदान पर जिंदा है, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिल जाए तो हम हिंदी थिएटर कर पाते हैं। अभी मुझे अमृता चाहिए प्ले कर रहा था, तो बुरी तरह से जो प्रोड्यूस कर रहा था उसको लॉस हो गया। 4-5 शो ही कर पाए हम, ऑडियंस ही नहीं है। मैं अनुदान की बात कर रहा हूं कि हर एक जगह थिएटर जो भी है अनुदान पर ही आश्रित है। हम इस अनुदान से कब वापस आएंगे? हमें क्या हमेशा अनुदान पर ही निर्भर रहना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि हिंदी थिएटर उस मुकाम तक पहुंचे जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, थिएटर इंडस्ट्री है। हम उस मुकाम तक पहुंचे, और जो इस तरह से जूझ कर आता है थिएटर करता है वो फिल्मों की तरफ ना जाए। लेकिन एक चाह एक ऐसी लोगों के अंदर बन गई है, आप अच्छा थिएटर कर रहे हो तो मैक्सिमम मैक्सिमम लोग आपको उतना पसंद नहीं करते हैं। जब तक कि आप कहीं सिनेमा में टीवी पे काम नहीं करते तो आपको वो पहचान नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि ये जो है इस परंपरा को जिस दिन हम तोड़ देंगे उस दिन हमारा हिंदी थिएटर कहां से कहां पहुंच जाएगा। मेरी तो एक चाहत है कि मेरा हिंदी थिएटर बहुत आगे जाए, एक मुकाम पर पहुंचे और लोग इधर उधर ना भटकें। पर आजकल जो चल रहा है परिवारवाद और ये वाद, हमारे थिएटर में ये वाद नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। मैंने थिएटर किया है दिल्ली में, मेरठ में और जगह जगह, मथुरा में मैंने बहुत थिएटर किया है। मेरे मित्र, अजीज मित्र, रंगकर्मी स्वर्गीय संदीपन नागर,
आज इस दुनिया में नहीं है। वो ताउम्र थिएटर करता रहा, वो बंदा ताउम्र थिएटर करता रहा, और मिला क्या? सिर्फ संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड। वो जिंदगी भर लगा रहा, उसको कोई अनुदान नहीं मिला कहीं से भी। क्या मिला उसको? लेकिन वो फिर भी शिद्दत के साथ थिएटर करता रहा। या तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि कहां कहां से सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, आप वहां से सामान ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है अनुदान। इस अनुदान से बड़ी चिढ़ होती है मेरे को। अगर हम लोगों ने दर्शक पैदा कर लिए तो थिएटर कभी अनुदान का मोहताज नहीं रहेगा। हमें उस मुकाम तक पहुंचना है। अभी भी मैं समस्त रंगकर्मियों को आह्वान देता हूं और उसे गुजारिश करूंगा कि सब लोग इस पर चिंतन करें और हम अपने दर्शक बढ़ाए। जिस दिन हमारा दर्शक बढ़ेगा, जो अपने आप आएगा, टिकट लेकर आएगा, उस दिन हमारा रंगमंच जिंदा हो जाएगा। जिंदा नहीं, ऐसी बात नहीं है, रंगमंच जिंदा है, लेकिन एमेचर थिएटर की वजह से ही जिंदा है। छोटे छोटे शहरों में ही जिंदा है, छोटे छोटे शहरों से ही इंसान निकलकर आज इस दुनिया में छाया हुआ है। ये प्रशिक्षण केंद्र कितनी मेहनत करता है, जी जान लगा देता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतेंदु नाट्य एकेडमी, इंडियन थिएटर, और अभी एनएसडी ने 4-5 जगह थिएटर 2 साल का कोर्स किया है, शुरू किया है। लेकिन हम लोग अभी तक दर्शक पैदा नहीं कर पाए, एक बहुत बड़ी विडंबना है। और अब इस चीज को तोड़ना है सबके साथ मिलकर। थिएटर चर्चा में मेरा विजन तो यही है कि हमारा थिएटर अगर जिंदा है तो एमेचर थिएटर पर। और आज भी उन तमाम रंगकर्मी जो अपने अपने लेवल पर जितनी सोच है, जितना वो जानते हैं, उनको सलाम करता हूँ कि आज वो जुटे हुए हैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी प्रकार की मतलब पुरस्कार ना पाते हुए भी वो लगे हुए हैं। चाहे वो ऑफिस से आने के बाद काम में जुड़ जाते हैं, नाटक करने के लिए जुड़ जाते हैं, ऐसा हर शहर में है। मैं उन तमाम थिएटर वालों को सलाम करता हूँ कि आज उन्हीं की वजह से थिएटर जिंदा है। आज हम हमारे जैसे एनएसडी से निकलकर, बाकी शहरों से निकलकर जो भी थिएटर कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं सिर्फ अपने लिए काम कर रहा हूं, और क्यों ना करूं, मेरे को भी तो स्टैंड लेना है ना। मेरा भी परिवार है, उनकी भी देखभाल करनी है। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर चलना है। अभी यहाँ कितने लोग जुड़े हैं, सबकी विशेषदारी है, सबको मेरा नमस्कार। क्योंकि बलवंत जी सुन पा रहे हो तो मैं 3-4 बार रुकने की वजह से मैं कई जगह अपने तार तो टूट चुके हैं मेरे, वो जो फ्लो था वो कहीं ना कहीं से ब्रेकअप हुआ है,
और अभी मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मेरे साथ सवाल जवाब कर सकता है, तो मैं उसका जवाब कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से मैं आपको दे पाऊं, आपको सेटिस्फाई कर पाऊं। तो लेकिन आप अगर क्वेश्चन करें तो प्लीज़ हिंदी में कीजिएगा, जो मैं आसानी से आपको बता पाऊंगा। बलवंत जी का है, प्लीज़ शेयर योर एक्टिंग अप्रोचेस। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है बलवंत जी। एक्टिंग में जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक एक्टर को सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट को इतनी बार पढ़ना पढ़ना चाहिए कि वो पढ़ते पढ़ते कंठस्थ हो जाए। इवन कि हर एक के डायलॉग करीब करीब आपको साउंड करने लगे, तभी उसका मजा आता है। और फिर मैं अभिनय के लिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करता हूं, ये शायद मेरा अनुभव रहा है कि मैं जो है उस कैरेक्टर में मैं ढूंढने लगता हूं कि उस कैरेक्टर में और मेरे जीवन में जो समानताएं क्या क्या हैं, मेरे जीवन में जो घटनाएं हैं वो कहीं इससे रिलेट कर रहा है इस कैरेक्टर के साथ। अगर कहीं से भी रिलेट करता है तो मैं उसके साथ उसको जोड़ता हूं और उसके तह तक जाने की कोशिश करता हूं, और वो कैरेक्टर इजीली फ्लो होना शुरू हो जाता है, फिर उसमें जुड़ना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं अपहरण फिल्म की बात करूंगा। अपहरण फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर था, नाना के भाई का रोल था, और वो पूरी तरह से अपने भाई को ही फॉलो करता था। तो एकदम से मैंने रिलेट किया राम और हनुमान में, कि नाना पाटेकर मेरे लिए राम है, मैं उसका हनुमान हूं, और हनुमान कभी राम की बातों को काटेगा नहीं। अगर उसने बोल दिया है कि ऐसा है तो ऐसा ही है, कोई क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले मैंने इस धारा को पकड़ा तो मेरे लिए इजी हो गया, और यही प्रकाश झा चाहते थे। तो मैंने वो पूरा नोट बनाया था कि मुझे क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या उसके साथ साथ क्या क्या चीजें जुड़नी है, सारे पॉइंट्स बनाए। और मेन पॉइंट यही था कि मैं हनुमान हूं, और मेरे रामचंद्र जी ने जो कहा है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक सीक्वेंस होता है जहां नाना पाटेकर मेरे लड़के को गोली मारने जाता है, और मैं जानता हूं कि वो उसे मार देगा फाइनली, क्योंकि वो कमजोर पड़ गया। बाप हाथ होते हुए भी मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हनुमान हूं, मैं जानता हूं कि जो भी कर रहा है मेरा भाई वो अच्छा ही कर रहा है। वह एक शॉट था, अंदर ठाक से गोली चलने की आवाज आती है, और यहां मेरा क्लोज आता है, और जिसमें मेरे आंखों का रिएक्शन था। उस दिन प्रकाश जी ने मेरी पीठ थपथपाई थी कि बहुत अच्छा काम किया है। और उस सीन के लिए, और मैं करीब 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 3 रात सोया नहीं था, वो आंखों में वो बात लाने के लिए। कभी कभी एक्टिंग करते हुए थोड़ा फिजिकल भी जाना पड़ता है, अपने अंदर वो चीज पैदा करने के लिए। अभिनय में ऐसा होता है, मैं तो ऐसा करता हूं कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या रास्ते अपनाने पड़ेंगे, तो मैं इन चीजों को फॉलो करता हूं। अमित माथुर जी का, धारावाहिक का पात्र बनने में और नाटक का पात्र बनने में कितना अंतर है, और क्या अधिक सहजता से हो जाता है? अमित जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और दोनों में अंतर इतना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो नाटक में करना पड़ता है,
सीरियल में या फिल्म में थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ रिटेक होता है, लेकिन रंगमंच पर रिटेक नहीं होता है। रंगमंच में भी सिर्फ अगर आप स्टेज पर आए तो बस ऑन है तो ऑन है, उसके बाद एग्जिट के बाद ही आपका एंड है, वहाँ कोई रिटेक नहीं है। फिल्म में सीरियल में रिटेक है, आप उसको अच्छा कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर एक टेक और करूँगा, थोड़ा आ नहीं पाया अंदर से, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। काम दोनों में ही मुश्किल है, अभिनय में जब तक अंदर से जो फील नहीं होता, जब तक दर्द नहीं उठता, तब तक मुझे असहज लगता कि मुझे को ये परफॉर्म करने के बाद मेरे को उस कैरेक्टर का एहसास नहीं हुआ, मैं वहाँ तक नहीं जा पाया। कई बार छोटे छोटे रोल में भी इतना अंदर घुस जाता था कि निकलने के लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं उस एक्सट्रीम तक जाने के लिए सोचता हूँ। युवराज शर्मा जी नमस्कार, रघुनाथ जी नमस्कार, पार्थो सेन जी का क्वेश्चन है, सर हम हिंदी रंगमंच देखने के लिए संस्कारित नहीं है, यही दर्शक कम होने का कारण है, आप क्या सहमत होंगे मेरे से? हम हिंदी रंगमंच देखने के लिए संस्कारित नहीं है तो इसके दोषी हम सभी हैं पार्थो जी, हम लोग अभी तक दर्शक नहीं बना पाए, और एक दिन ऐसा आएगा जब दर्शक, हिंदी दर्शक टिकट लेकर आगे आएंगे। उसके लिए पहल करना पड़ेगा हम लोगों को कि फ्री में टिकट नहीं देना तो नहीं देना, चाहे एक ऑडियंस हो, हम नाटक एक ऑडियंस के साथ करेंगे तभी हम इसको जीत पाएंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें दूसरा उपाय देखना पड़ेगा, टेरिस में करना, किसी बंगले के अंदर करना, कहीं लॉन में करना, वो शुरू करना पड़ेगा फिर से अच्छे से। रघुनाथ जी क्या थिएटर में कोई भी जुड़ सकता? हाँ क्यों नहीं जुड़ सकता रघुनाथ जी, बस आपके अंदर जज्बात होने चाहिए कि हाँ मेरे को करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अंदर से होना चाहिए, हुक लगनी चाहिए कि हमें थिएटर के लिए मुझे अभिनय करना है। थिएटर में आदमी सबसे पहले अभिनय से ही जुड़ता है, अट्रैक्ट अभिनय करता है, और थिएटर चाहे कितना भी हो जाए लेकिन अभिनेताओं के ऊपर सारा दारमोदार रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब बड़ा सा बड़ा डायरेक्टर भी ये कह देता है भाई फर्स्ट बेल हो गई है, अब मेरे लिए कुछ नहीं है, जो कुछ भी अब तुम्हारे पास है, मैं तो चला ऑडियंस में बैठ के देखने के लिए, मैं नहीं आने वाला। और खासतौर से एमके रैना जी ऐसा बोलते थे, मुझे याद है हाइना मुलर का प्ले कर रहे थे द टास्क, जिम्मा थर्ड बेल, और मेरे को सिर्फ 10 दिन मिला था काम करने के लिए, सासपोर्ता का रोल मैंने किया था, और मुझे बोला था 10 दिन में सुबह रिहर्सल करूंगा, दोपहर को करूंगा, फिर शाम को करूंगा, हो गया ना 30 रिहर्सल, करेगा कैसे नहीं, तेरे को करना है, ऐसा बोलकर मेरे को लाए थे। क्योंकि जब 10 दिन बचे थे मैंने कहा 10 दिन में मैं नाटक नहीं तैयार कर पाऊंगा, तो ये उदाहरण दिया था, और मैं दिन रात जुड़ गया काम करने के लिए, और फर्स्ट बेल बजी, कह रहे टाटा बाय बाय, अभी तुम ही संभालो, मेरे बस की नहीं, मैं तो चला। क्या हालत थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था और वो ललक थी, हुक थी अंदर से, हाँ अब मेरा मंच है और मुझे कुछ करना है, और मैं जुड़ गया। अमित माथुर जी का क्वेश्चन, नाटक में पात्र को मिलने वाली सीधी प्रतिक्रिया को कैसे हैंडल करते हैं? नाटक में पात्र को मिलने वाली, अमित जी इस प्रश्न को मैं समझा नहीं,
थोड़ा सा डिटेल बताएंगे अमित जी? बलवंत जी ने क्वेश्चन किया था उन 7 साल में आपने क्या किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस 7 साल में मैं लगातार वहाँ अलग अलग जगह थिएटर करता रहा और उसी दौरान मैंने श्रीराम सेंटर में एक्टिंग कोर्स की। जी के साथ मैंने काम किया, राजेंद्र नाथ जी के साथ काम किया, बादल सरकार जी के साथ काम किया, शाह जी के साथ काम किया, अंकुर जी के साथ पंच लाइट हमने स्टोरी, तो लगातार मैं काम करता रहा। उसी दौरान साधन नहीं था तो मैं मेरठ दिल्ली कंटिन्यू मैं आता जाता रहा। मेरठ दिल्ली 60 किलोमीटर दूर था और मेरा घर स्टेशन से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर था, तो मैं डेली ये सफ़र मैं पूरा करता था। और उस समय ज़्यादा मेल ट्रेनें नहीं थी, पैसेंजर ट्रेन थी जो 2.5-3 घंटा दिल्ली जाने में और दिल्ली से आने में भी लगता था। तो उन सब चीज़ों को फेस करके सिर्फ और सिर्फ मैं उन 7 सालों में थिएटर करता रहा और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता रहा। और जैसे जैसे मैं बड़े बड़े लोगों के साथ नाटक करता रहा तो सीखता रहा और मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस पैदा होता रहा कि नहीं, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं निराश नहीं हुआ, फिर और ज़ोर शोर से मैं उन कोशिशों में लग गया। तो इसी तरह से लगातार मैं काम करता रहा, अलग अलग लोगों के साथ काम करता रहा और निराशा को मैंने कहीं आने नहीं दिया। पहले तो मेरे पास घर से स्टेशन आने के लिए कोई साधन नहीं था, तो 12-13 किलोमीटर मैं पैदल चलता था और पैदल ही घर वापस जाता था। फिर वहाँ से फिर 60 किलोमीटर ट्रेन से, एक सहारनपुर पैसेंजर थी, एक नांगल डैम था, उनसे मैं चला करता था। फ्रंटियर मेल एक गाड़ी होती थी, उसमें कई बार हरजाना देना पड़ता था क्योंकि वो मेल ट्रेन थी तो पकड़ लिया जाता था। तो इस तरह से चलता रहा, लेकिन कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ जो मुझे आज भी याद है। हम गाज़ियाबाद में आने के बाद कोई ट्रेन थी नहीं, तो एक मालगाड़ी आई थी, इत्तेफाक से वो रुकी और मैं पीछे के डब्बे में चढ़ने के लिए खड़ा हुआ था। तो पीछे के डब्बे गार्ड का वो आया, केबिन आया, मालगाड़ी थी, सिग्नल कुछ गड़बड़ था तो वो रुका हुआ था। तो मैंने गार्ड से कहा कि सर मेरे को मेरठ जाना है, क्या आप मुझे लेकर चलेंगे? तो उसने कहा ठीक है लेकर चलता हूँ, लेकिन मैं सो जाऊँगा और तुम जो है ना ये एंट्री करते रहना कौन कौन सा स्टेशन गया है कितने बजे, ये ली घड़ी और वो चाबी और हर स्टेशन पे ग्रीन दिखाते रहना। हैरिकेन उनका वो था, वो लाल हरा वाला वो था कि हरा ही देते रहना कि मेरठ रुकेगी। लेकिन हास्यास्पद वो हुआ कि मेरठ में उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया और मैं अपने स्टेशन को ग्रीन झंडा दिखाता हुआ बहुत आगे जाके रुका मैं जाके, और वहाँ से फिर मैं पैदल चला 25-30 किलोमीटर मैं पैदल चल के आया। तो इस तरह का भी संघर्ष रहा जिंदगी में। बलवंत जी, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी तो अभी तो मैं चल ही रहा हूँ। अपना एक छोटा सा इंसिडेंस सफ़र का मैंने सुनाया और जो 7 साल का संघर्ष हर साल मेरे को और पूरी एनर्जी देता रहा कि मैं काम करता रहूं और अपने आप को कभी अकेला ना समझूं। ये थिएटर की ही देन है। नीरज जी, कोई प्रश्न हो आपके मन में जो आप सोच रहे होंगे कि मैं एक सवाल करूं तो आप मेरे को बताएं, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उमेश जी, कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बताएं। क्योंकि बीच में
इतनी बार तार टूटा है तो मेरा एक जो मैंने सोचा था जिस पे बात करूंगा तो वो अधूरा रह गया है, कई बार तार टूटा है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं यहीं एंड करता हूं, नहीं तो एक चीज़ मैंने लिखा था, मैं वो इंसिडेंस आपको सुनाना चाहता हूँ कि 1984 से 1985 में मैं SRC रेपेट्री में काम करता था। उस दौरान 15 दिन का वर्कशॉप करने के लिए डेनमार्क से रिचर्ड फाउलर आए थे, उनके साथ हमने काफ़ी काम किया, 15 दिन जो है बहुत अच्छी तरह से काम किया। तो अक्सर वो देखा करते थे कि हम लोग कुछ ना कुछ गणित लगाते रहते हैं, तो उन्होंने पूछा एक दिन कि आप लोग क्या हिसाब किताब लगाते रहते हो। तो हमने बताया कि हमें तो इतना पैसा मिलता, उस समय 600 रुपये रिपेट्री की हमारे को मिलते थे, 600 रुपये। तो वो 600 रुपये में तो कहते कि हमें सरकार की तरफ से सब कुछ मिलता है, हमें सिर्फ अपना फोकस करना होता है अभिनय पर। हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी उस समय। फिर अगेन वही कि सरकार अगर ना हो तो थिएटर नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। बलवंत जी आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से जम्मू में थिएटर को जिंदा रखा है और अच्छे लेवल पे जिंदा रखा है, उस चीज को लोगों तक बताना पड़ेगा। अभी शेयर करता हूं मैं दिल्ली टू बॉम्बे। मेरे पसंदीदा डायरेक्टर BM शाहजी मेरे से बहुत आशा रखते थे, बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो जानते थे मैं मेरठ से आता हूं, जाता हूं, थिएटर करता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं थिएटर करता था। उस दौरान मैंने कई एक जगह जॉब भी की, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं किया, क्यों गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता था। वो अक्सर कहा करते थे, मुकुल तुम बॉम्बे जाओ, बहुत हो गया थिएटर तुम्हारा, अब दिल्ली में तुम्हें 14 साल तो दिल्ली में हो गए, जाओ 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 बॉम्बे जाओ, बॉम्बे नहीं जाओगे तो कंधे पे झोला लटका के ही घूमते रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये BM शाहजी मेरे लिए कहते थे, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे से ले जा, मैं देता हूँ तेरे को पैसा, तू बॉम्बे जा, तेरा भविष्य बॉम्बे में है, तू तो अलग ही मुकाम हासिल करेगा। मैंने किसी तरह पैसे जोड़े धीरे धीरे और मैं बॉम्बे आ गया। 94 जनवरी, 15 जनवरी को मैं लैंड हुआ मैं, और मैंने यहाँ संघर्ष करना शुरू किया। कई बार ऐसा हुआ कि मैं महीने का जो भाड़ा होता था वो भी दे पाने की स्थिति में नहीं था, तो मैं वापस दिल्ली आता था, दिल्ली में थिएटर करता था, वर्कशॉप करता था, नाटक डायरेक्ट करता था, फिर मैं चला जाता था, कभी सेट डिज़ाइन करने आता था, कभी लाइट डिज़ाइन करने आता था, कभी वर्कशॉप करने आता था, तो उससे जो पैसा होता था उससे मैं किराया देता रहा। यह करीब साल भर ऐसा चला, और उसी दौरान मेरे को विमल दत्त की फिल्म मिली प्रतिमूर्ति। तो मेन किरदार मेरा था, बहुत मेहनत की उसमें, लेकिन वो फिल्म बनने के बाद वो रिलीज नहीं हो पाई। ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उस फिल्म को तो मैं देख भी नहीं पाया, तो लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि उसके कुछ रशेज बासु चटर्जी ने देखा था और उन्होंने मुझे ब्योमकेश बख्शी के लिए बुलाया था, शाही का कांटा, उसमें मेन विलेन के लिए, कहा मैं फिल्म में मेन हीरो कर रहा था और कहा मैं सीधा विलेन पे आ गया, वो भी एक एपिसोड के लिए, लेकिन उसने मेरे को स्थान दिया। और बासुदा
लगातार काम करते रहे और वहाँ से फिर मेरे को ब्रेक मिलना शुरू हुआ। फिर मैं जो भी काम मिलता रहा तो उसको बड़े शिद्दत के साथ करता रहा। कई जगह मुझे काम मिला लेकिन कई जगह मेरे को ये हुआ कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो उसको मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने अपना आत्मसम्मान नहीं बेचा। मैं अभिनय के लिए पैदा हुआ था तो मैं डायरेक्टर से लड़ गया कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ये कैरेक्टर इस तरह से ही जाएगा जो मैंने कंसीव किया है। तो इस चक्कर में बहस भी होती रही और मैं कई प्रोजेक्ट से बाहर भी हुआ, लेकिन मैं अपनी जगह सही था। मैं डायरेक्टर का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन वो कमिश्नर का रोल में वो मैलो कराना चाह रहे थे और मैंने मैलो नहीं किया तो उन्होंने मेरे को निकाल दिया, चलते सीरियल में से मेरे को निकाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं करूंगा। तो इस तरह से भी संघर्ष करना पड़ा। मैं कभी ऑडिशन से पीछे नहीं रहा। ऑडिशन हाँ बिल्कुल करना है, क्योंकि ऑडिशन का मतलब कैमरा है और कैमरा मतलब अभिनय है। तो मैं पूरी दिक्कत के साथ मैं अभिनय में जुड़ता रहा और धीरे धीरे करके ओम नमः एक सीरियल आया, तो वहाँ ओम नमः शिवा से मेरे को बॉम्बे में मतलब रहने खाने की समस्या का समाधान किया। और उसके बाद फिर मैं फिल्म करता रहा, फिर रामानंद सागर जी के संपर्क में आया और उन्होंने मेरे को परखा और उनके साथ मेरी काफ़ी बहस भी होती थी कैरेक्टर को लेकर। बड़े सुलझे हुए इंसान थे वो, और उन्होंने मुझे कहा कि तेरे मन में क्या है पहले वो तू बता, इस कैरेक्टर को कैसे करेगा। फिर वो धीरे धीरे करेक्शन करते थे और इतने स्लोली से करेक्शन करते थे कि वो मेरे आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचती थी और वो अपने आप शामिल हो जाता था मेरे खून में, मेरे अभिनय में वो शामिल हो जाता था। तो ऐसे डायरेक्टर भी कम है। प्रकाश जी के साथ अच्छा अनुभव है, श्याम बेनेगल जी के साथ अलग अनुभव है। मुझे याद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक सीन हम देवलाली में शूट कर रहे थे, देवलाली में मिलिट्री बेस में हम शूट कर रहे थे एयरपोर्ट पे। मैं गन वन लिए था और गोली चलाता ठाए ठाए कर रहा था, तो श्याम जी आए, अरे भाई वो ऊर्जा नहीं मिल रही है मेरे को। तो मैंने सर, और रात को शूटिंग हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और उसमें गोली तो है ही नहीं, वो सिर्फ एक्शन करना है धार धार। तो और कहाँ से हो तुम? मैंने कहा मेरठ से हूँ। तो कुछ तुम सब लोग गाली वाली देना नहीं जानते? देना हाँ सर। अरे तो कुछ गाली वाली दो, जोश पैदा करो। और फिर जो शॉट हुआ वो, तो मतलब किस तरह से वो डायरेक्टर ने एक एनर्जी दी हम लोगों को कि बगैर बुलेट के आपको वो जो रिएक्शन, वो हमने कभी दिमाग में आया ही नहीं। अरे श्याम जी हम गाली कैसे देंगे? और उन्होंने कहा सोल्जर जो है वो मतलब लड़ने के लिए आमंदा होता है तो फिर वो कुछ और देखता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गोल रहता है और पूरे फोर्स के साथ पूरी एनर्जी के साथ लग जाता है। तो तुम्हें भी वही करना है। और इस तरह से वो सीन होता चला गया। इस तरह से सीन्स जो अच्छे डायरेक्टर हैं वो किस तरह से एक एक्टर को हैंडल करते हैं। तो ऐसे ऐसे कमाल के डायरेक्टरों के साथ काम करने का अच्छा मौका मिला। प्रकाश जी के साथ तो मैंने दो दो फिल्म की और उन्होंने बहुत बारीकी के साथ काम किया। याद है मेरे को गंगा जल में, मैं जब मेरी बॉडी ट्रैक्टर में लाद के ले जा रहे थे तो मैं लाश की तरह था, तो मेरे लाश में मेरा वो ट्रैक्टर जंप कर रहा था, धक 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 करके जा रहा था, उबड़ खाबड़ रास्तों में से मेरी गर्दन हिल रही थी, मेरा हाथ जो है ऐसे ऐसे हो रहा था। तो प्रकाश जी ने शॉट रोका, बोला मुकुल तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। मैंने सर मैं लाश हूँ मैं क्या करूँ?
फिर उन्होंने पीछे कपड़ा दिया जो दिखाई ना दे, और फिर गर्दन हल्के हल्के हिलने लगी। वो चाहते तो कि वो शॉट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे को तकलीफ हो रही है और मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि शॉट खराब ना हो। और वो इतने महान डायरेक्टर, उन्होंने शॉट रोका और उन्होंने उस चीज़ को समझा और मेरी सहायता की। वो खुद खड़े हो जाते थे, हाँ भाई कोई एक्टर को प्रॉब्लम ना हो, हाँ कैसा लगा आज तेरे लिए मैंने फिश बनवाई है, कैसा है, अच्छा है कि नहीं बता तू, तो एक्टर क्यों नहीं काम करेगा, पूरी एनर्जी के साथ काम करेगा। इस तरह के डायरेक्टर जो है वो होने चाहिए। आजकल उस तरह का वो माहौल है भी नहीं, कुछ डायरेक्टरों के साथ है, कुछ डायरेक्टर के साथ नहीं है। कबीर खान जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बिल्कुल एक्टर के साथ जुड़ के काम करते हैं, क्विक फिक्स की तरह, चाहे छोटा रोल हो चाहे बड़ा हो, अगर उसका सीन है तो वो और वो रहते हैं, एक्टर और डायरेक्टर ऐसे बंद के। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर इस तरह से धीरे धीरे रामानंद सागर जी के संपर्क में मैंने दो अच्छे किरदार किए जिसकी मतलब लोग सराहना करते हैं, मैं ऊपर वाले का और अपने जितने अभिनय के गुरु हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस तरह से मांझा कि मैं इस जो भी मेरे को काम मिला मैं उसको सही ढंग से निभा पाऊं। अमित जी ने कहा, क्वेश्चन है, धारावाहिक के मुख्य किरदार को प्रसिद्धि मिलने के बाद बाकी यूनिट का बर्ताव उस अभिनेता के लिए बदल जाता है, इधर आपने। जी हाँ अमित जी, जब आप मेन रोल करते हैं तो कई बार धारणाएं बदल जाती हैं कि ये जो कुछ कर रहा है एकदम सही कर रहा है, तो पूरा सेट गलत को भी सपोर्ट करने लग जाता है। लेकिन मैं हमेशा डायरेक्टर के साथ रहता था, मैं लाइटमैन से क्या, मैं स्पॉट बॉय से भी पूछता था, हाँ भाई शॉट अच्छा हुआ कि नहीं। मेरे बॉय ने मेरे को बोला, सर वो मज़ा नहीं आया। मैंने मज़ा नहीं आया, मैं फिर उस शॉट को मैंने दोबारा किया, फिर उसकी तरफ देखा, सर सर अच्छा लगा। तो मैं बैक गया, रात को सोचा कि मैंने गलती कहाँ की कि मेरे जो बॉय को मज़ा नहीं आया उस शॉट के दौरान। तो अमित जी मैं इस तरह से उनके रिएक्शनों, क्योंकि वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है और इंस्टेंट रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए। अगर आपके नज़दीक के आदमी को अच्छा नहीं लगा तो वो ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अमित जी कि अभिनय के विद्यार्थी को थिएटर ज़रूर करना चाहिए, कोई ज़रूरी भी नहीं है और ज़रूरी भी है, दोनों में अंतर है। क्योंकि थिएटर करते करते अगर आप उस समय चले आते हैं जब आप जवान होते हैं, तो आप थिएटर में स्ट्रगल करते करते आपकी सारी जवानी थिएटर के साथ चली जाती है और बचता है सिर्फ आपका मिडिल एज, और फिर सब आप सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर रोल के लिए रह जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो अगर फिल्मों में करना है तो आप निकल जाइए। हम अपना जो अपनी जो जवानी है बाहर निकलते निकलते, मैं 33-34 साल का हो गया, और जहाँ कोई 33 साल का तो हिंदुस्तान में हीरो की उम्र रह ही नहीं जाती, उसके बाद रह जाता तो सिर्फ कैरेक्टर रोल, और कैरेक्टर रोल में भी आपको तब चांस मिलता है जब आप कैरेक्टर रोल लिखा जाता है, तब वो हीरो बनता है। जैसे साईं बाबा भी वो कैरेक्टर उस तरह का था, वो मेरे को मिला, मैंने शिद्दत से निभाया, तो
आज वो मेरे लिए माइलस्टोन बन गया है। नीरज जी जम्मू में, हाँ मैं जम्मू में आया था 93 दिसंबर, शायद नवंबर दिसंबर की बात है। तो एक बड़ा उत्साह था कि मैं इस तरफ कभी गया नहीं हूँ, तो सबसे पहली ललक थी कि मैं जम्मू जाऊँगा, वहाँ अलग एटमॉस्फेयर रहेगा, वहाँ के थिएटर को समझूंगा जानूंगा। और उस वर्कशॉप के इंचार्ज एमके रैना जी थे, और मेरे को एमके रैना जी ने कहा तू क्राफ्ट में और इसमें अच्छा है तो तू क्यों ना मेकअप की क्लास ले। मैं मेकअप की क्लास मैंने ली मैंने वहाँ, और मैंने सोचा था कि यार मेकअप की क्लास में लोग इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन नटरंग ने ऑर्गेनाइज किया था। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि नटरंग में मेकअप की क्लास को बहुत ही अहमियत दी। शुरू में मुझे लगा कि यार बस ऐसे ही होगा, ठीक है समझाऊंगा बेसिक और उसके बाद चला जाऊंगा, लोग पता नहीं मेकअप को कितने सीरियसली लेंगे। लेकिन कमाल की बात है कि सब लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, और मैं भी पुरजोर से जो मैंने सीखा था एनएसडी में, उससे पहले मैंने बंगाली थिएटर में सीखा था, रामलीला में मेकअप सीखा था, तो वो चीज़ मैं धीरे धीरे उनको बताने लगा, और मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए थे, और आज भी मैं उनसे बातें करता हूँ। वहाँ नटरंग, मैंने सिर्फ नटरंग को ही समझा है, वहाँ नटरंग के साथ काम किया है, तो मतलब क्या एक डिसिप्लिन बहुत है कि टाइम से आना टाइम से जाना। उसके बाद अगर टीचर अगर रोकता है तो वो रुककर उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसके साथ पूरा टाइम व्यतीत करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो थिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है। थिएटर में सीखने के लिए जानने के लिए एक टाइम लिमिट नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। थिएटर तो मतलब किसी भी समय कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। और मैं आज भी चाहूँगा कि अगर मेरे को जम्मू में कुछ काम करने को मिले तो मैं ज़रूर करूँगा, और मैं उस चैप्टर पे काम करूँगा कि वेस्ट मटेरियल से कैसे सेट खड़ा कर सकते हैं, कम से कम चीज़ों से क्या क्या चीज़ पे हम वर्क कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज भी ऐसे कर्मठ लोग नटरंग में होंगे और मैं उनके साथ बहुत अच्छा काम कर पाऊँगा। यासीन जी थोड़ा और इसको परिष्कृत करें आपने सवाल का, न्यू क्या है ये? व्हाट डू यू सजेस्ट टू न्यू एंट्रेंट इन थिएटर? नया कुछ करने के लिए तो है सब्जेक्ट पे, नई जो सब्जेक्ट है उस पर हम काम करें। नई कहानियाँ नए नॉवेल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, अगर हम उन पे वर्क करें तो हमें अच्छा नाटक देखने को मिल सकता है। अभी एक अकाल उत्सव करके एक नॉवेल मैंने पढ़ा पंकज सुबीर जी का, वो नाटक के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से अगर हम नॉवल को अगर हम ट्रांसलेट करें और उसको हम नाटक में तब्दील करें तो एक कमर्शियल चीज़ भी रहेगी और एक जो सोच जो है वो उन नॉवल्स में है। और नॉवल्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि हर थिएटर का आदमी जो है नाटक करने वाला आदमी नॉवल्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नॉवल्स में ये जो आपका इनर मीनिंग जो है वो छुपा रहता है,
जैसे एक आदमी चल के जा रहा है तो उसके बीच में वो सोच जो है राइटर लिखता है, राइटर उसमें लिखता है कि वो ये सोचते हुए जा रहा है, उसके साथ ये परिस्थितियां हैं, तो ये कैरेक्टर को करने के लिए, निभाने के लिए उस दौरान चलते हुए बहुत सारे एक्सप्रेशन आ जाते हैं जो अमूमन सोचने पर नहीं होते। तो नॉवल पढ़ने से ये सुविधा होती है कि आप अपने कैरेक्टर को, जैसे राइटर डायरेक्टर ने बोला यहाँ से वहाँ तक चलना है, और अगर उसी दौरान अगर आपने अपनी सोच को डेवलप किया जैसे नॉवल्स में करते हैं, तो आपको एक शॉट की वजह से चार शॉट और डायरेक्टर लेगा कि यार कुछ कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, हम नॉवल को हम लोग थिएटर में अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। फोक फॉर्म्स तो है ही, सब लोग कर ही रहे हैं, बलवंत जी तो हमेशा फोक पे बहुत काम किया है, तो मैं चाहता हूँ कि नॉवल्स पे हम लोग अच्छा काम करें। जैसे हमने एक नॉवल्स पे काम किया था, नॉवल पे मुंशी प्रेमचंद जी गोदान पे हमने काम किया, तो कितना अच्छा नाटक तैयार हुआ था। वो शेराम रेपर्टरी का प्ले था जिसके काफ़ी शोज किए हमने। तो इसी तरह से हम वर्क करें तो हमें नया कुछ करने को भी मिल सकता है। आगे रंगमंच के लिए दर्शक जुटाने में क्या क्रांति लाई जाए? जी हाँ सुदेश जी, रंगमंच में दर्शक लाने के लिए हमें बहुत क्रांति करनी पड़ेगी। हमें पहले ये सोचना है कि दर्शक चाहता क्या है, किस तरह की मानसिकता लेकर वो नाटक देख, का फ्लेवर देना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। बनिस्पत हम अपनी चीजें थोपे, अक्सर यही होता है कि हम अपनी चीजें उनको थोप देते हैं और इतना गूढ़ चीज देते हैं कि उसे वो सोचता है कि यार मैं रिलैक्स नहीं हो पाया हूं नाटक देखते हुए, एंजॉय नहीं कर पाया हूं। तो नाटक देखते हुए दर्शक को एंजॉय करें तभी वो एक से दो, दो से चार, चार से कितने हजारों लोग बढ़ेंगे। हम लोग एक्सपेरिमेंट थिएटर ज़्यादा करने लग जाते हैं, हम अपनी चीज़ें उन पर थोप देना चाहते हैं क्रिएशन के नाम पे। आप पहले सीधी सादी चीज़ें देखे, धीरे धीरे उनको अपने रंग में लाना पड़ेगा, पहले उनके साथ चलना पड़ेगा, दर्शकों के साथ चलना पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी चीज़ें उनको दे सकते हैं, तभी तो वो लेंगे। हम पहले अपनी चीज़ें उनको दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो समय दर्शक छोड़कर भाग जाता है, ऐसा मेरा मानना है। हम सीधे तौर पर नाटक क्यों नहीं दिखाते हैं, सीधी से कहानी क्यों नहीं कह देते जिससे कि वो जुड़े? हम जुड़ने से पहले उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम इतना ओवर डोज दे देते हैं कि वो दूसरा नाटक देखने आता ही नहीं है। मुझे याद है मैं संदीपा नागर जी के साथ मैं मथुरा में सीधे साधे नाटक करता था और मेरे साथ दर्शक कौन थे? दूध वाले, चाय वाले, अंडे वाले, रिक्शे वाले, ये लोग 2 रुपए का टिकट लेकर आते थे बाकायदा, उससे स्वास्तिक रंगमंडल चलता था। आज भी अगर मथुरा चला जाऊं तो उस समय वो दूध वाला आज भी दूध के पैसे नहीं लेगा क्योंकि उसने मेरा नाटक देखा। अरे बाबूजी हमने आपका तो कल नाटक देखा था, आज आपसे दूध का पैसा कैसे ले सकते हैं हम? वो रिक्शे वाला रिक्शे के पैसे नहीं लेता, हम जबरदस्ती उसको पैसा देते थे। वो अंडे वाला अंडा पाव बेचने वाला, अंडा ये ब्रेड बेचने वाला पैसे नहीं लेता था, जबरदस्ती हम देते थे उसको पैसा। वो ऑडियंस थी, हम सीधे सीधे उनको एंटरटेन करते थे और संदीपा नागर का विजन बिल्कुल क्लियर था
कि हमें दर्शकों को जोड़ना है, हमें इन लोगों को जोड़ना है, सबसे जरूरी है, जिनको सब बोलते हैं निचला तबका, नहीं निचला तो वो ही सबसे बड़ा तबका है जो 2 रुपए का टिकट लेकर बाकायदा आता था, टाइम से पहले आता था, और पास वाले आते ही नहीं थे, और आते थे तो आगे बैठने सबको उठाने की कोशिश करता था कि मैं तो आगे वाली सीट पर बैठूंगा। तो इस तरह की क्रांति लानी पड़ेगी। हाँ, कोई और सवाल? सबका मालिक एक है और साईं बाबा दोनों एक ही है। नीरज जी, साईं बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक है, कि कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म एक है, और सबके इष्ट एक ही बात कहते थे। कौन? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है? वो मालिक एक है, हम उसको अलग 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 रास्तों से अलग अलग दृष्टि से देख के उनको एक नाम दिया है। इसलिए साईं बाबा की महानता आज भी बहुत ऊंचाई पर है। उन्होंने जिंदगी भर फकीरी में रहे, मांग कर खाते थे, और उसी में से ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। और आज के जितने भी संत बनते हैं सिर्फ अपनी तिजोरी भरते हैं। बाबा ने कभी अपनी तिजोरी नहीं भरी, अंत समय में भी उनके पास 9 सिक्के थे, वो भी उन्होंने दान कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं। ऐसे ही थे हमारे रामकृष्ण परमहंस जी भी, बिल्कुल फकीरी में। फकीरी में जो आनंद है वो किसी में नहीं है, ये संपत्ति ही सबकी जड़ है, लड़ाई की जड़ है। ये जो बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है, रास्ते अलग अलग हैं, मिलते एक ही जगह, अलग अलग नदियां हैं, जल वही है, लेकिन मिलता कहाँ है? सागर में, कहीं और नहीं जाता है। तो उसी तरह से हाथ तो ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर कौन है? मालिक है, तो मालिक एक है। हाँ नीरज जी, थिएटर में वही अगेन बात जो मैं पहले भी कई बार टूट गया था, इसलिए तार टूटा रहा। हम चाहे कितना अच्छा थिएटर करते रहें, लेकिन हमारी साख उस शहर में उतनी नहीं रह पाती है जब तक कि हम फिल्म या सीरियल ना करें, तब तक अपनी इज्जत नहीं बनती है। जैसे ही हम एक सीरियल करते हैं, थोड़ा नाम होता है, तो लोग जुड़ने लगते हैं, पत्रकार भी जुड़ने लगता है। नहीं तो आप कितना भी अच्छा नाटक कर लो, पत्रकार को बुलाओ, वो बोलता है कि आप ब्रोशर दे देना, हम छाप देंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। तो हमें ऐसे पत्रकार भी नहीं चाहिए। पहले मुझे याद है कविता नागपाल जी आती थी, बाकायदा आती थी, देखती थी नाटक, फिर लिखती थी। जयदेव तनेजा जी आते थे, देखते थे, फिर लिखते थे। ब्रोशर की उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी आप किसी भी उनको कह दो, बोल देंगे भाई ब्रोशर दे देना, हम लिख देंगे, चिंता मत करो। वहीं अगर आप अगर एक फिल्म में काम कर लेते हैं या सीरियल में आपका नाम हो जाता है, तो वही पत्रकार 20 बार आपके चक्कर लगाएगा, आपके लिए लिखने के लिए आगे बढ़ेगा। ऐसा ही होता है। हमें सोच को बदलना है नीरज जी, हमें थिएटर को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके लिए हम सभी थिएटर वर्करों को एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग एकजुट कभी नहीं हो पाए, कभी भी एक मंच पर आकर एक राय कभी भी नहीं बना पाए।
शायद बलवंत जी ने अपने अपने एरिया में बनाया है, तभी आज नटरंग इंटरनेशनल लेवल पर तक पहुंच गया है। लेकिन बलवंत जी, इससे काम नहीं चलेगा, आपको आगे आना है, सबको एकजुट करना पड़ेगा, तभी हम हिंदी रंगमंच को आगे बढ़ा पाएंगे। तब सिर्फ और सिर्फ थिएटर के एक्टरों की ही वो रहेगी, चाहे फिल्म में कितना भी काम कर ले, लेकिन थिएटर के लिए भी जरूरी हो जाएगा। ये थिएटर के एक्टर है, क्या बात है, कमाल है। हमने परचेस करके नाटक, टिकट परचेस करके हमने इसका नाटक देखा, क्या कमाल का नाटक था। सबसे पहले नाटक की प्रशंसा होनी चाहिए, उसके बाद एक्टर की प्रशंसा होनी चाहिए। अरे कमाल का अभिनय किया, नाटक की बात ही नहीं कर रहा, इसका मतलब नाटक फ्लॉप है। वो आपका मुंह देख कर ही आपको, आपके लिए बात कर रहा है, इसका मतलब नाटक पहले अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। सो भाटिया जी, थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि थिएटर में कैमरा ऑडियंस है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑडियंस ही कैमरा है, और वहाँ कट नहीं है। वहाँ एक बार एक्शन शुरू हुआ तो एंड 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद ही होता है, वहाँ टेक दूसरा नहीं होता है। फिल्म में 1, 2, 3 टेक, 4 टेक, 5 टेक करने वाले 20-20 टेक भी करते हैं, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन नाटक में सुधार सिर्फ रिहर्सल के दौरान ही किया जाता है। इम्प्रोवाइज जो भी करना होता है रिहर्सल के दौरान ही किया जाता है। डायरेक्टर कहता है करो आज जो करना चाहते हो, जो तुम्हारे दिल में है करो, और उसके बाद वो चीज़ फिक्स होना शुरू हो जाता है। हम चलते शो में हम इम्प्रोवाइज तभी करते हैं जब कोई टेक्निकली फॉल्ट हो जाता है, और चलते शो में हम जो हमने प्रैक्टिस किया है, जो हमने किया हुआ है, वही हम करना चाहिए, उसी हम करते हैं। अगर उसके अलावा अगर हम दूसरा करते हैं तो वो हम अन्याय करते हैं, उससे ये होता है कि जो सामने वाला है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके लिए फिर नया होता है। आप उसमें इमोशन और ये सब कुछ डाल सकते हो, लेकिन कोई चीज़ ग्राफ और ये सुर ताल उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, या लाइंस खा नहीं सकते हो, ये लाइन बोलना ही नहीं है, नहीं, क्योंकि उसके साथ कुछ जुड़ा होता है, दूसरा एक्टर भी जुड़ा होता है। फिल्म में आपने कुछ बोला, बोला ओके नो प्रॉब्लम, इसका अलग से शॉट हो जाएगा, इसके साथ मैच कर देंगे, वहाँ गुंजाइश होती है, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती, ये फर्क है भाटिया जी। तो अभी आगे मैं समापन पे आ जाऊं, अगर किसी का और क्वेश्चन हो तो मैं आगे बढ़ूं, या फिर इसी को समाप्त करने की कोशिश करूं। नीरज जी बताएं, 5:53 हो गया है, बीच में गैप भी आया था, ठीक है, तो फिर मैं समापन पर आता हूँ। मेरा सजेशन तो यह है कि हम सब मिलकर इस नाटक की भूख को बनाए रखें, इसको कभी मरने ना दें, और जब भी मौका मिले तो हम प्रयास ये करें कि हम अपने थिएटर को जिंदा रखें और उसी की तरफ अग्रसर रहें।
चाहे वो किसी रूप में हो, हमें नया पौध तैयार करना हो, हमें नए एक्टर तैयार करना हो, हमें थिएटर में नए लोगों को जोड़कर उनके साथ काम करना हो, तो हमें उसी तरह से चलना चाहिए जिस तरह से हम चले हैं, जिस तरह से मैं आगे बढ़ा हूँ, मैं या आप उन संकटों से दूर रखें अपने नई पौध को कि उनको उस कठिन यात्रा को ना करने दें और उसको सीधे सीधे हम उसको रास्ता दिखा पाएं। यही हमारी जीत होगी कि हम अपने नए बच्चों को उस रास्ते पर ले जाएं जहां वो सरलता से आगे बढ़ता रहे। हमने जो कांटों भरे रास्तों को पार किया है, उन कांटों को नए लोगों के पथ पर आने ना दें, उनको हटाते रहें, उनको बताते रहें, उनको गाइड करते रहें कि ऐसे नहीं ऐसे जाओ, ऐसे नहीं ऐसे करो, इस तरह से करो, अगर मेरे पास कुछ सोर्स हो तो उनको आगे बढ़ाते रहो, थिएटर के लोगों को आगे बढ़ाते रहो, उनको सारी मुहैया वो सारी सुविधाएं मुहैया कराइए। अगर आपके बस में है, आप जानते हैं, तो उनको रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है नए लोगों को। अगर हम आज से ये प्रण ले लें कि हम जो है आने वाले लोगों को ऐसा रास्ता दिखाएंगे, तो आगे जाके जो मैं सोचता हूँ कि हमारा एक थिएटर का एक दर्शक होगा, एक हमारे थिएटर इंडस्ट्री होगी, वो सपना तभी पूरा हो पाएगा। नहीं तो नई पौध भी उसी तरह से संघर्ष करते करते पता चला कि उसकी जवानी सारी निकल गई और उसके बाद वो भी फिर उसी तरह से करते करते एक जगह पर पहुंचा और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रह गया और उसका बुढ़ापा आ गया। नहीं, हमें उसको उसकी जवानी रहते हुए उसको हम सरलता से उसको वो रास्ता दिखाएं और उसके पथ के कांटों को हटाना शुरू कर दें आज से, अभी से। अगर इस काम के लिए आपको मेरी कहीं भी ज़रूरत हो, बेखटके बोलिए, मैं आपके साथ रहूँगा और हमेशा साथ चलूँगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, एक रंगकर्मी होने के नाते ये मेरा वादा है, मैं उस वादे को पूरा करूँगा हमेशा। जय हिंद, नमस्कार।